ये जो नाच रहे हैं ना, सबकी मंगनियाँ हो गई हैं। दुआ करो हमारी भी हो जल्दी जल्दी, हम भी नाचे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। तो गाइस आज का दिन भी काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हमारी यूनिवर्सिटी में दो दो इवेंट्स हो रहे हैं, तो दोनों कवर करने की फुल कोशिश करेंगे। अभी मैं मौजूद हूँ अपनी इंटर्नशिप वाली डेस्टिनेशन पे, जहाँ से हमने थोड़ी देर तक फ्री हो जाना है। ये 7 लैब है जहाँ पे हमारा वर्क चल रहा है। ये रहा, ये हैं जमाल भाई, और ये लेबलिंग कर रहे हैं ना आप। ये है कैबेज बटरफ्लाई का लार्वा। फाइनली गाइस इवेंट वाइज डेस्टिनेशन में मैं पहुंच चुका हूं, और अब मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखा सकूं। इवेंट का नाम है फ्लावर फेस्टिवल, ठीक है। अब हमें यहां पे डिफरेंट वैरायटीज़ के डिफरेंट फ्लावर देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा, तो ये है जी गार्डनिंग विंग एस्टेट मैनेजमेंट। अब यहाँ पे इनका स्टॉल ओनर नहीं है, वो हमें इनके नाम शाम बता देता। यहाँ पे ना सबसे जो अट्रैक्टिव मुझे लगा है ना, वो ये वाला फ्लावर है, लेकिन ये मेरी नज़र में बेनाम है। और यहाँ पे आप कुछ जदीद किस्म की वेजिटेबल्स देख सकते हैं। ऐसे इवेंट्स कम होते हैं, लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, तो ये स्टॉल ओनर हमें मिल चुके हैं, इनसे बात करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा बताइएगा इसके बारे में, क्या स्पेशल है इसमें? ये भाईजान एग्जॉटिक वेजिटेबल्स का स्टॉल है, जो गैर मुल्क की जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो सब हमने यहाँ पर डिस्प्ले में लगाई हुई हैं। ये आपके सामने केल है, अभी ये धूप की वजह से थोड़ी सी मुरझा गई हैं। तो केल है, ये रॉकेट है, पार्सले है, लेटस है, ब्रसल स्प्राउट है, आगे फिर पार्सले करली केल है, इस तरह से ये सारी हैं। हमारा ये प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान में नहीं है? नहीं, पाकिस्तान में नहीं है। ये कुछ पाकिस्तान वाली भी पड़ी हैं, जैसे ये बीट रूट है। गैर मुल्की दिखाइएगा भाई। हाँ, ये देखे ना, ये कोहल रबी है। अच्छा। ये एक एग्जॉटिक वेजिटेबल है, और ऐसे ही वो केल है, वो भी एग्जॉटिक है। ये काफी सारी एग्जॉटिक है। ये किस मुल्क से इंपोर्ट की आपने? ये फ्रांस से इंपोर्ट की हुई है। फ्रांस से। इस फेस्टिवल की एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे खाने पीने वाली कोई चीज नहीं है। ये तो अक्सर जो स्टॉल ओनर्स होते हैं ना, वो बिठा लेते हैं, वो कहते हैं कि यार ये खा के जाए चीज। ये डमी चेक करें कितनी बदतमीज है, मंगनी करवा के बैठी हुई है और हम अभी तक आ रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ देखिए, मतलब जिसने भी सजाया है भाई, तारीफ के काबिल है। और ये देखिए अम्ब्रेलास, हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। इन लोगों ने भी ना अपने आर्ट से बहुत मुतासिर किया मुझे। अच्छा, तो ये है तला भाई, और आपका नाम भूल गया मुझे। एहतिशाम हुसैन। एहतिशाम, ओके। और ये इस इवेंट की मेजबानी कर रहे हैं, तो इनसे बात करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। भाई इवेंट आपको मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और मेरे ख्याल में जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, देख रहे हैं, सबको ये मतलब अच्छा लग रहा है। तो आप इस बारे में क्या कहने का, कितनी मेहनत की आप लोगों ने इसमें? वैसे 3 दिन हो गया मेहनत कर रहे हैं। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है, फल मिल रहा है, आवाम देख के खुशी हो रही है, आवाम को भी, आवाम भी इंजॉय कर रही है, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। 3 दिन से लगे हुए हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज फल मिल रहा है। आज की शाम हॉर्टिकल्चर वालों की शान में कसीदे पड़े जाएंगे। काइट्स को क्यों फांसी पे लटकाया आप लोगों ने? क्या किया इन्होंने? थीम किया हुआ है काइट्स का। अच्छा, मतलब नेचुरल थीम दिया है, नेचुरल थीम दिया। उधर आपने वो डमी की मंगनी भी करवा दी है यार। हम अभी करवा रहे हैं, हम अभी करवा रहे हैं, डमी की मंगनी करवा दी यार। ये तो फेयर नॉट फेयर यार। गाइस ये देखे, डिहाइड्रेशन से ना मेरे हाथ शिवर कर रहे हैं। अब अगर मैं पानी पीने चला गया ना, तो ये इवेंट रह जाना, क्योंकि शाम का टाइम होने वाला है। ये देखिए इसे भी कितनी खूबसूरती के साथ सजाया इन लोगों ने, तो यार अल्फाज ही नहीं। और इन्हें भी देखिए आप, अपने आर्ट का बखूबी मुजाहरा किया इन लोगों ने। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। नहीं सर, हमारा बीएस एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर है अभी। तो आप लोग यहां पे क्या कर रहे हैं? हमें सर हॉर्टिकल्चर वालों का, लेकिन हमने बेसिक सिर्फ ये, हमें सर ने कहा था कि एग्जीबिशन है तो आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर लें।
हमने फिर ये डिजाइनिंग की थोड़ी सी। लगता नहीं है कि हाथ के साथ बनाया आपने। आप मेहनत देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा। आप एक एक चीज इसकी देखें, इसका आप डिटेल इसका व्यू करें तो आपको पता लगेगा कैसा है। प्यारा बनाना चाहिए लेकिन इतना नहीं कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। अच्छा ये भी देखिए, ये भी इन लोगों ने अच्छा सजाया हुआ है। ये जो नाच रहे हैं ना, सबकी मंगनियाँ हो गई हैं। दुआ करो हमारी भी हो जल्दी जल्दी, हम भी नाचे। अच्छा तो ये देखिए आप, इन लोगों ने लिखा हुआ है आई दिल से मैं क्या मराज हूँ आप HS। अच्छा HS, अच्छा 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 आई लव हॉर्टिकल्चर साइंसेज। ठीक है ठीक, मतलब दिमाग में ना कुछ और चीज़ें चल रही थी। उसके बाद आप ये देखिए टायर्स के ऊपर इन लोगों ने फ्लावर्स लगाए हुए हैं। ये मुझे सबसे ज्यादा प्यारा लगा इनमें शेवा। ओके तो यहाँ पे क्या है? यस अच्छा, ये प्यारी सी लड़की खड़ी है साथ। उन्होंने कहा कि आप ये पिए, पी रहा हूँ बट पैसों की है, फ्री वाली नहीं है। तो इतने प्यार से कहा है ना उन्होंने कि लस्सी पी लो या कुर्बान जाओ। इसे आप लोग देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इसे सजाया, इसे देखिए कितनी खूबसूरती के साथ डिजाइन किया हुआ है। भाई कमाल है कमाल, मजा आ गया देख के। और साथ इसे भी देखिए, वाओ हाँ, हिम्मत खत्म होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फेस्टिवल पसंद आया होगा। अब हम लोग दूसरे फेस्टिवल पे चलते हैं। दूसरे फेस्टिवल की तरफ हम लोग जा रहे हैं। दूसरा फेस्टिवल है जी बर्ड शो। ये कबूतर पिजन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, और आपको यहाँ पे ऐसी ऐसी वैरायटीज देखने को मिलेंगी जो कि आपने शायद ही अपनी ज़िंदगी में देखी हो। ये देखिए, और इस साइड पे भी कबूतर्स की डिफरेंट वैरायटीज हैं। वाओ, ये मुझे सबसे क्यूट लगी है, ये वाली जोड़ी सबसे क्यूट लगी मुझे। ये भी आप लोग देख सकते हैं, मतलब एक से एक बढ़ के है। यहाँ पे भी कबूतर, ये पेयर भी बहुत प्यारा है। अच्छा जो इस साइड पे वैरायटीज है ना, वो मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा लार्ज है एवरेज से। ये देखिए, ये सब भी कबूतर ही है। और इसे देखिए मुर्गा, और ये देखिए आप लोग, मतलब क्या ही कहना है इनकी तारीफ में। ये भाई लव बर्ड में ब्लू मास्क आते हैं, और ये अल्बाइनो आते हैं, ये गोल्डन फिशरी आता है, लव बर्ड लेटिनो ऑफलाइन आते हैं, ये लव बर्ड है। इसकी खास बात क्या है? इसकी शेप है या इस तरह की जो वैरायटी है वो पाकिस्तान में नहीं मिलती? इस तरह की वैरायटी है ना, ये जो वाइट है ये कम मिलती है पाकिस्तान में, ये बाहर से आती है। अच्छा, ये बाहर से आपने मंगवाई है? नहीं, हमने नहीं बाहर से मंगवाई है, हमने तो बाजार से खरीदी है, लेकिन यहाँ से आती नहीं है, बाहर से आती है। ये भाई लाड़ रहे हैं आप, इनका कुछ करो, ये इनको भूख लगी हुई है, दाना डालते हैं। अच्छा चलो यार, और ये मुर्गा? मुर्गी है, मुर्गी है। और इस वैरायटी का क्या नाम है? वाइट हैवी, वाइट हैवी फीमेल है। अच्छा वाओ, तो दिन में कितने अंडे देती है? एक ही, एक ही देती है हर मुर्गी, एक ही अंडा देती है। और अंडे का साइज बड़ा होता होगा ये? अच्छा ये है, ये तो फार्मी से भी छोटा है। फैंसी ऐसी होता है। अच्छा ये फैंसी है। ये खरगोश देखिए, एक्स्ट्रा लार्ज साइज है इसका। ये मैं भी आपकी तरह पहली दफा देख रहा हूँ। और साथ हैं प्यारे प्यारे पैरट्स।
और ये देखिए जनाब, इनकी तारीफ में मैं क्या कहूँ। अब देखिए साइडों से बाल है, दरमियान में अपनी छोटी सीढ़ी निकाली हुई है। वाओ, ये सारी कबूतर्स की वैरायटीज हैं। वाह भाई वाह। हेलो, दोस्ती करनी है मेरे साथ? इधर कैमरे में देखिए, हाउ क्यूट इज दैट। और इन्हें देखिए। हेलो हेलो, लिफ्ट ही नहीं करवा रहे मुझे। तो गाइस यहीं पे कहते हैं इस व्लॉग को एंड। अपने अपना फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।